पंडित जी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ओहदा हासिल करे ऐसी अर्चना कीजिए। नहीं पंडित जी, मेरे पिताजी ठीक से अपने पैरों पर चले ऐसी पूजा कीजिए। आज के जमाने में तुम जैसे बाप बेटे करोड़ों में एक दो देखने को मिलते हैं, सुखी रहो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि हनुमानंजना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणः सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः। रुको, ये क्या? तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे हम लोग पहली बार मिले। हाँ, मेरा किस मीठा नहीं था, बोलो ना। मीठी तो है। फिर भाग क्यों रही थी? कोई देख लेगा इसी वजह से मैं डर रही थी। नहीं, कोई देख लेगा इस डर से हम लोग छुपकर प्यार नहीं कर सकते। हम दोनों एक होकर रहे, ये ना सिर्फ तुम्हारे और मेरे अपने बल्कि पूरे गांव वालों को हमारी जोड़ी को देखकर खुश होना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। अपने प्यार के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ, और तुम? मैं भी यही चाह रही थी। तो फिर हमारी छोटी सी जिंदगी में हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसा एक और किस दूं क्या? माँ, मैं सफर पे जा रहा हूँ, ये कैसा पनिशमेंट है? तुम खाना खिला रही हो, मैं टिकट कैसे लूंगा? मेरा तीसरा हाथ नहीं है। अपने बाजू वाले से कहना भैया। एक छोटा निवाला और खा ले बेटा। बस हो गया, बस का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। मेरा बेटा, मेरे हाथ से भी एक निवाला खा के जा। पिताजी ठीक है। क्या रे, माँ का निवाला अच्छा था या मेरा? आपका? नहीं नहीं, आप दोनों का अच्छा है, दोनों का अच्छा। पिताजी मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नहीं लौटता, तुम पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है। बेटा, तू हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान देना और फर्स्ट आना, हम सब लोगों की खुशी इसी में है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलूं? माँ चलता हूँ, बाय। ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगा। तू बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आया। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय, गुड मॉर्निंग जगन, आओ बैठो। अंकल, इस महीने का रेंट करेक्ट 5 तारीख को रेंट दे देना, ये कोई रूल नहीं है जगन, जब तुम्हारे पास हो दे देना। ठीक है आंटी। ए अंकल, कभी कभी जो मैं आपसे पैसे उधार लेता हूँ बाद में लौटा दूंगा, ठीक है ना? हमारे गणेश ने कहा इसलिए ले रहा हूँ, लेकिन लौटाने की जरूरत नहीं है। तू तो हमारे घर में अपने बच्चों की तरह घुल मिल गया है, मैं चाहता हूँ तू ठीक से पढ़ लिख कर अपना नाम कमा कर इस घर से जाए। हाँ ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ, बाय। ये लीजिए पिताजी जो मांगा था। अरे रामू। हाँ आया भैया। ये ले तेरे कॉलेज की फीस। थैंक्स भैया। पिताजी चलता हूँ भैया, बाय। बाय रामू। अभी आप उससे उसकी शादी की बात क्यों नहीं करते? जब शादी के लिए उसको जल्दी नहीं है, ठीक है तुम उससे बात करो। बेटा तू हमारे लिए तो शादी कर ले, तुम्हारे लिए लड़कियाँ देखी है, कोई पसंद आए तो शादी कर लेना। ठीक है माँ, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं शादी कर लेता हूँ रामू की परीक्षा के बाद। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। अब शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें खेलना कूदना बंद करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। ये सब कैसे कम होगा पिताजी, आपकी आदत जो पड़ी है अभी वो कम नहीं होने वाली, जैसे उम्र बीतेगी सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है बेटा। क्या है कि नन्हे मुन्ने बच्चों की लोग नजर उतारते हैं। सुनो, मेरी नजर उतारना तुम्हें अच्छा लगता होगा, मगर अगल बगल से देखने वालों को जरा भी अच्छा नहीं लगता होगा। जब तक मेरे गले में मंगलसूत्र है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुमसे लड़ने से अच्छा है मैं अपनी नजर उतार कर निकल लूं यहाँ से। आँखों में लगा दिया, मैं कॉलेज जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, रास्ते में संभल के जाना। ठीक है। लक्ष्मी, कहो क्या बात है? हाँ, तुम अपने पति और बेटे की रोज नजर उतारती हो। एक ही कॉलेज में जाते हैं दोनों। हाँ। दोनों एक स्कूटर पे जा सकते हैं, फिर अलग अलग क्यों जाते हैं? अगर दोनों एक ही स्कूटर पे जाएंगे और कभी कम नसीबी से एक्सीडेंट हो गया तो दोनों को चोट आएगी ना। अगर अलग अलग गए तो किसी एक को चोट आएगी ना, इसलिए मैं हर दिन दोनों को अलग अलग भेजती हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय काजल। तेरे प्यार का हवा लगाकर, तुमसे नजर मिलाकर, हार गई गिरकर, मैं 2 फीट की हो गई और तू 6 फीट का हो गया। अपना अलग कॉम्बिनेशन है, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में शादी करेंगे, दुखी मत हो ना। काजल, मैंने तुझे बुलाया था क्या? कुछ से सीन क्रिएट मत किया कर, तू अपने लिए अच्छे को ढूंढ ले, क्योंकि तू तो काजल हो सकती है लेकिन मैं अजय देवगन नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो। सुन काजल, तुम्हें कब से देख रही हूँ। हाँ। 2 फीट की नहीं है और तुम्हें खूबसूरत लड़का चाहिए। अरे तू ट्राई करेगा क्या? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और सितारे भी नहीं है। अच्छा तू मेरी छोड़, वो भाई आ रहा है, ट्राई कर जा। देखूं मैं वहाँ। हाय, नमस्ते। क्या रे, वो बस छूट गई क्या? वो देख, वो आ रही है। ए चंडी, तू इस बस में क्यों नहीं गया? मैं इस बस में क्यों जाऊंगा? फिर कौन सी बस में जाएगा? डबल डेकर बस में जाऊंगा। ए, डबल डेकर इस रूट में नहीं आती। नहीं चलती क्या? नहीं। सच में नहीं चलती क्या? अबे सच में नहीं आती। ठीक है, जब चलेगी तब जाऊंगा। क्यों, मुझे क्यों देख रही हो? तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। तो फिर होटल में चलेंगे या रूम में? तुम्हारी मर्जी, जहाँ भी ले चलो। चलो। हाय। गणेश, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जवाब दोगे? मालूम होगा तो जरूर दूंगा। तो ये बताओ, को एजुकेशन क्या है? को एजुकेशन मतलब को एजुकेशन? नहीं, इसका एक और आंसर है। इसका आंसर वो देखो, उधर देखो, इधर देखो, इनको देखो। चप्पल से मार खाएगा। ये देखो, जिसको प्यार करना नहीं होता है उसका रिएक्शन देखो। सो को एजुकेशन में कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है। ओके, तुमने जो सब्जेक्ट बताया वो ठीक है, मगर उस सब्जेक्ट में हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला। इसमें बताने की कौन सी बात है? सत्य, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो प्यार के लिए गिड़गिड़ाते रहे। बस हो गया क्या? टाइम हो रहा है, चल। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रात में सुहागरात तो ठीक से हुई ना सर? शादी तो बहुत ही धूमधाम से हुई लेकिन सुहागरात नहीं हो पाई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सुहागरात के समय मेरी बीवी अपने प्रेमी के साथ चली गई। थोड़ा बाजू होंगे ना यार। भाई एक चाय लेके आना। सही कहा, इसको भी दे दे। एंजॉय करो, एंजॉय और क्या। ए, हमें इससे क्या मतलब, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं यार इसे क्या बोलना। ए, तुम लोग कौन हो? ए, तुम लोगों ने क्यों रोका?
शिवा के साथ रहने के बाद भी तुम लोगों ने ऐसा किया, डर नहीं है क्या? तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो क्या? जिस पवित्र बुक को इज्जत से लेकर जाना चाहिए उसे तुम लोग जेब में बेल्ट के पीछे पैंट के पीछे रखकर बंदरों की तरह घूमते हो और सिगरेट जलाते हो। दोबारा मेरी आंखों के सामने अगर ये करते हो नजर आए ना तो तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। चलो जाओ यहां से, जाओ जाया से जा। हेलो, हाँ चाचा, मैं रॉयल सीमा से रत्नाराम बात कर रहा हूँ। हम लोग ठीक से पहुँच गए हैं। आपका अरेंज किया बंगला बहुत अच्छा है। उसमें क्या है चाचा, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उससे पूछ कर बताता हूँ। अच्छा रखता हूँ। मैंने जो कहा था वो काम तुमने किया? हाँ भैया किया। इस सिटी में दो ही कॉलेज अच्छी है ऐसा मैंने जानकारी निकाला है, इसलिए दोनों ही कॉलेज में शिवा जैसे दबंग स्टूडेंट्स हैं। शिवा, ये कौन है? ये रॉयल सीमा और रत्नाराम से भी बड़ा है क्या? आप बोलो इसके पहले भैया, हमने शिवा को रेडी करके रखा है। यहाँ? हाँ यहाँ। यहाँ कहाँ? वो देखो वहाँ। तो ये है इसका स्टाइल, शिवा स्टाइल, फैंटास्टिक। मुट्ठी बंद करने पर बम की तरह उसमें शक्ति आ जाती है। मेरी बहन जिस कॉलेज में पढ़ने जाएगी वहाँ ऐसा लड़का होना ही चाहिए। हाँ। सिर्फ उसी कॉलेज में ही नहीं, सब कॉलेज में शिवा जैसा लड़का होना चाहिए। उनको देखकर डरने वाला कौन है? गली के गुंडे? वो रॉयल सीमा और रत्नाराम नहीं है। जाओ कॉलेज में जाकर सीट तैयार करो। ठीक है भैया। ठीक है भाई। आपने कॉलेज का सीट डिसाइड नहीं किया? डिसाइड कर लिया छोटी, कल से तुम ज्वाइन हो जाना। आज जाकर शॉपिंग कर लो। मैं वहाँ एग्जाम देती तो कितना अच्छा होता, यहाँ मैं परेशान हो जाती हूँ। वहाँ पर हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं बहन। तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। तुम्हारा पढ़ाई खराब ना हो इसलिए तुम्हें लेकर यहाँ आया हूँ। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना। आपकी बहन हमेशा फर्स्ट क्लास आती है, डोंट वरी भैया। अगर तू फर्स्ट क्लास से पास हुई तो तुम्हें यहाँ पर लाकर पढ़ाने का मुझे बहुत गर्व होगा। मैं आपका सर हमेशा ऊँचा रखूंगी। डन डन। ये क्या रे सत्या, अब तक नहीं आई? लगता है उसकी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, कहीं छिप कर देख रही होगी। हाँ ये भी हो सकता है। ओके बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम भूल गए क्या? मैं नहीं, तुम भूली हो, लेकिन आज तुम जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आई? और एक मिनट के बाद मैं तुम्हारे लिए पैदा होने वाली हूँ गणेश। ओह सॉरी, एक मिनट बाद मेरे लिए पैदा होने के लिए। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वाओ, अच्छा है ना? लवली, बहुत अच्छा है। मुझे एक किस मिल जाती तो फिर मम्मी। खुशियाँ चुनो, तोड़ के सारे बंधन यूं झूमो नाचो। मैं जो कहता हूँ उसके बारे में सोचो। चाहते हैं जवान, जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा। जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा। जो मैंने कहा
देखो मेरे दिल पे काबू ना रहा, दिल में जुनून रहे सदा, मस्ती का यही तो रस है हाय। पर बीत न जाए ये पल कहीं, रो रो के इसको यूं खोना नहीं, आएगा फिर यूं मजा, समझो ना इसको सजा। चार दिन की है ये जिंदगानी, सुनो गम को छोड़ के इसमें खुशियाँ चुनो, तोड़ के सारे बंधन यूं झूमो नाचो, मैं जो कहता हूँ उसके बारे में सोचो, चाहते है जवान जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा, जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा, सारे जहां से अच्छा के हम नौजवान, नया खून है और उमंगे जवान, झुकने न देंगे तिरंगा को हम, कट जाएगा सर नहीं कोई गम। भारत माँ के संतान हम, लेते हैं हम आज ये कसम, जब तक रहेगा बाजुओं में दम, पीछे कभी न हटेंगे हम। चार दिन की है ये जिंदगानी, सुनो गम को छोड़ के इसमें खुशियाँ चुनो, तोड़ के सारे बंधन यूं झूमो नाचो, मैं जो कहता हूँ उसके बारे में सोचो, चाहते है जवान जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा, जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा। अरे खूबसूरत आ रहा है, अपना खूबसूरत आ रहा है। गुड मॉर्निंग। लेसन स्टार्ट करने से पहले अपने फॉरेन टूर के बारे में बताता हूँ। सुनो, मॉस्को सिटी में अपना मुंह बंद कर। कौन बोला? किसको बोला? Who is that? मैंने नहीं बोला, तूने बोला क्या? बोला नहीं बोला है। बोलो। तूने बोला क्या? मैंने नहीं बोला। तूने बोला क्या? नहीं, मैंने नहीं बोला। तूने? नहीं, मैंने। एक लेक्चरर को मुंह बंद करो बोलने वाला बगैर कॉमन सेंस का वो लड़का कौन है? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। कम ऑन, टेल मी। हाय। ए, एक खूबसूरत लड़की को हाय बोलने से पहले जिप लगाना जरा सीख। चिल्लर निकाल। भाई 10 बच्चों का बापू, 3 दिन से भूखा हुआ है, हमारे पेट पर लात मत मारो भाई, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तेरा क्या हाल है? इतना ही पैसा इसमें आपको क्या दूं? ए, दे चिल्लर इधर, चल निकाल इधर। भाई शराफत से पैसे लौटा दो, नहीं तो मुझे भाई को बुलाना पड़ेगा। कौन है रे तेरा भाई? है दम है तो सामने आकर बात करने बोल, तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। मेरे कंधे पे हाथ किसने रखा? मेरे आदमियों से जबरदस्ती पैसे छीनता है। इसे सुन, मैं कौन हूँ? ए, मेरा भाई चिदंबरम ऑल इंडिया बेगर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। ए, मेरी सड़क गई ना तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। इस सिटी में कोई भी मेरे से पंगा नहीं ले सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक मंगों से हफ्ता मांग रहे हो? अगर हिम्मत है
तो जो गरीब को लूटते हैं, देश को लूट कर खा रहे हैं, उनके पास जाके अपनी हिम्मत दिखा। दोबारा इन गरीबों को सताना तो भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चल निकल यहाँ से। ये मुझे क्या देख रहा है, चल जा। मेरे पैसे दे के जा बे भिखारी। तू यहीं पर रुक, मेरी माँ अगर तुमको पैसे देगी। माँ, हाँ? आप ऑटो वाले को 20 रुपए देकर आइए। ये क्या बेटा, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे ना, 50 रुपए खर्च हुए, 50 रुपए बचने चाहिए थे ना। खर्च हो गए माँ, आप उसको पैसे देकर आइए। आप ज्यादा सवाल मत पूछिए, पहले ऑटो वाले को पैसे दीजिए, हिसाब बाद में देता हूँ। पिताजी आप बैठ कर यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाकर ऑटो वाले को पैसे दे सकते हैं ना। तुम्हारी माँ गई है ना, क्या तुम चाहते हो हम दोनों से अलग अलग पैसे दें? अब तो मैं यहीं बैठूंगा। ये देखो, दो लेकर के आया, ये मत पूछना क्यों। दो लौकी लेकर आया, ये मत पूछना क्यों। एक किलो भिंडी लाया, ये देखो। एक किलो टमाटर, ये देखो। एक किलो प्याज, दो गड्डी मेथी लाया और दो गड्डी पालक। कैसा लगा? संडे को आया था इसलिए सब्जी लाने की जरूरत नहीं है, और मैं रहूं तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है चंडी, मैंने तुम्हें सब कुछ आधा आधा किलो लाने के लिए कहा, मगर तू सब कुछ एक एक किलो लाया ना बेटा। अरे मेरी पागल माँ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, टाइम की बचत करना सीखो। तुमने आधा आधा किलो लाने को कहा था ना, मगर मैं एक एक किलो लेकर के आया। सुनो, इसमें खराब होते होते सारी सब्जियाँ, आधा आधा किलो ही तो बचने वाला है। मेरा प्यारा प्यारा बेटा, तुम दोनों माँ बेटे को गंगा में ले जाके बहा देना चाहिए। तुम मेरा घर और मेरा पैसा पूरा बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तुम लोगों के साथ जिंदगी बिता। अरे प्रोग्राम भूल गया है क्या? ए, थिएटर वाले का पैर पकड़कर मैंने टिकट लाया है। सभी दोस्त कह रहे हैं तुम लोग आओगे तो थिएटर जाएंगे। तुम आ रहे हो या नहीं? स्टूपिड फेलो। अरे बाप रे बाप, महाकाली आ गई। तुम किसे फोन कर रहे थे? हाँ शैलेजा और प्रशांत। मतलब को? तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या वो लोग? मुझे पता है बाबा तुम आओगे। अगर किसी वजह से मैं नहीं आ पाई तो मुझे छोड़ के चले जाओगे? ओहो, तुम तो आ गई हो ना, फिर सवाल क्यों? देखो गणेश, तुम मेरे बारे में सब जानते हो, फिर भी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुमने तो मेरा मूड ही अपसेट कर दिया गणेश, अब मैं नहीं जाऊंगी, तुम अकेले जाके फिल्म देखो। हाँ सत्या, ऑल द बेस्ट। अपना मुंह बंद कर। जी बेवजह हम लोग लेट हो गए, सब सब तुम्हारी वजह से। सॉरी। अरे क्या हुआ सत्या? मैं नहीं आने वाली। हे व्हाट हैपेंड? इन दोनों के बीच में जो हमेशा होता है वही हुआ है। What यार? Don't worry, come let's go, come on. Come on यार। सत्या, अरे तेरी ही सत्या है, come man. नहीं आएगी कहकर बड़ी स्टाइल मार रही थी। मैं तुम्हारी बाजू में नहीं बैठूंगी तो तुम फिल्म नहीं देख पाओगे, यही सोचकर तो मैं यहाँ पर चली आई। पता नहीं कहाँ रह गया। Excuse me, can I help you? No thanks, मैं अपने friend का wait कर रही हूँ। ओहो, टिकट तुम्हारे friend के पास है क्या? नहीं, दोनों tickets मेरे पास ही हैं। वो क्या है कि मैं यहाँ फिल्म देखने आया था, टिकट बुकिंग में भी नहीं मिली और करंट में भी नहीं मिली। लगता है फिल्म देखने के लिए तुम बहुत उतावले हो रहे हो। थिएटर में आने के बाद तो ऐसा ही होता है। वन कंडीशन, उसके आने तक तुम देख सकते हो मेरे साथ, लेकिन उसके आने के बाद तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो? ऐसा कुछ नहीं है, हैबिट सेंटर में शॉपिंग करते वक्त उससे मेरा परिचय हुआ है। बाप रे बाप, ये तो मेरे से भी एक कदम आगे है। हेलो जेंटलमैन, मेरे साथ पिक्चर देखने आ रहे हो? फिल्म देखने? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ये मेरा ब्रदर है, मैं अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। मेरा फ्रेंड आ जाएगा तो उसे अंदर भेज देना और इसको बाहर भेज देना। ए बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है रे?
सालों पहले जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी को आज लोग इस तरह से अपमानित करने पे तुले हुए हैं, हमारे राष्ट्रपिता के साथ ऐसा। ए, सुनो, क्या है? पैसे क्यों डाले? ये भिखारी है, इसलिए। ये कौन है? भीख मांगने वाला। नहीं, गौर से देख, ये कौन है? हमारे देश को आजादी दिलाने वाले गांधी की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जब तुझे दिख रहा है ये गांधी जैसा है, तो इस गली के कोने पे खड़े हुए, इसको भीख में चवन्नी देकर जाते हुए तुझे इस पे गर्व महसूस हो रहा है? तुम्हारे सहयोग से ही ये भीख मांगकर खा रहा है, जिंदगी भर ये भीख मांगकर खाता रहेगा, ऐसा आशीर्वाद मत दे रहे इसको। अगर तुमसे हो सकता हो तो इस गांधी जी पर उपकार करो। ए, पागल है क्या जो मुंह में आरा पके जा रहा है? पागल तू, पागल है। तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप पागल है। आइंदा हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाने वाले हमारे देश के भविष्य अमर नौजवान को भीख में चारा नहीं देते हुए देखा रहा तो तेरे हाथ काट डालूंगा। चल निकल। आइए गांधी जी, आज से आपकी देखभाल मैं करूंगा, आप हमारे देश के गौरव हैं। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। चलिए साहब, 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 इसे छोड़ दीजिए। मेरे बीमार पति और बच्चों की देखभाल यही करता है, अगर यही चला गया तो हमारे पास दूसरा कोई आसरा नहीं। इसे छोड़ दीजिए, कहिए तो मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। इसको हमसे दूर मत कीजिए साहब। नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने साथ ले जाकर इसे अपनी तारा बनाकर नई राह दिखाऊंगा। चलो ठीक है साहब, चलो बेटा। मैं अब कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा, नो कॉम्प्रोमाइज। जितना पैसा लगेगा फेंकूंगा, लेकिन नेटवर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट में ऑफिस खोलो, पूरा फर्स्ट फ्लोर खरीद लूंगा। पकड़ो। ए, फोटो मत निकालो। कौन हो तुम लोग? भाई फिक्र मत करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत जल्द मेरी जरूरत पड़ने वाली है। मेरा नाम चांद है, मैं चादर गेट का उस्ताद हूँ। मेरा नाम कोटी है, कोटी का उस्ताद हूँ मैं। भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है, हाइब्रिड का उस्ताद हूँ मैं। अरे मैं नागपल्ली का उस्ताद हूँ, नाम है नटवरलाल। मैं सिकंदराबाद का उस्ताद हूँ, नाम है तलवार सिंह। मैं आरटीसी क्रॉस रोड का उस्ताद हूँ, मेरा नाम है नल्ला बाबू। मैं पंजाब कुटा का उस्ताद हूँ, मेरा नाम परवेज है। उस तरफ उत्पल, दिलसुख नगर, बाला नगर, जीडी मिटला, बंजारा हिल, पठान पेड़ी, कुकर पेली, पूरे को मैं अकेला संभालता हूँ, मेरा नाम है बलराम। ओहो, तो फिर अमीर पेट और दिलसुख नगर के बीच जो एरा गड्ढा है उसका तुम लोग क्या करोगे? निकाल दो सभा। मतलब हैदराबाद और सिकंदराबाद में तुम सब अपने अपने एरिया के उस्ताद हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम लोग मेरे पास आए क्यों हो बताओ? रॉयल सीमा की धरती पर आपको क्यों घमंड है भाई? ये जानने के बाद ही आए हैं भाई, आपको हम अपनी यूनियन का मेंबर बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी यूनियन में मेंबर हूँ। ये क्या भाई, आप इतने गुस्से में क्यों आ गए कि कांपने लगे? आप हमारे साथ मिलेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। सोच कर जवाब दो भाई। क्या कहा? तुम लोग अपनी तुलना मुझसे कर रहे हो? तुमसे मेरा स्टेटस ऊंचा है, तुम लोग अपनी तरह मुझे गली का गुंडा समझ रहे हो क्या? मैं इस रॉयल सीमा की धरती पर पैदा हुआ हूँ, हमारे पूर्वजों का यहाँ एक नाम है, तुमने मेरी बहुत छोटी तुलना की है। अगर मैं चाहूँ तो एक मिनट में तुम्हारे हैबिट सेंटर को, फोटो सेंटर को, चार मीनार सेंटर को तोड़ मरोड़ कर खरीद सकता हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी आंख खोलूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जाओ। ए, सुन रॉयल सीमा रत्न रेडी, इसे तेरे बाप ने खरीदा है, जरूरत पड़ने पर हम भी तलवार उठा सकते हैं। अभी और इस वक्त तू हमारी जमीन पे सांस ले रहा है, समझ गए ना? जैसा हम कहते वैसा करो, बताओ नहीं तो। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? अगर मैं नहीं भागू तो ये तलवार से तेरा सर काट डालूंगा। तो तुम लोगों ने ये फैसला कर लिया? यस। तो फिर तुम लोग एक बार अपना अपना सर नीचे झुका कर देखो, देखो, देखो। एक से बढ़कर एक, रॉयल सीमा में ही नहीं बल्कि पूरे आंध्रा में मुझसे बड़ा कोई मर्द नहीं है। इससे पहले कि इस तलवार से मेरा सर धड़ से अलग हो, उससे पहले तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये रिमोट दबा दो तो तुम्हारे टुकड़ों का भी पता नहीं चलेगा। इस रॉयल सीमा पर राज करना तुम्हारे वश की बात नहीं है, कितने ही युग लग जाएंगे, किसी से भी टक्कर ले लेना, मगर रॉयल सीमा के रत्न राम से टक्कर मत लेना। चले जाओ। उठो, झगड़ा नहीं भाई, हम लोग कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आप हमें हमारा हिस्सा दे दो तो फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात, छोटे भाई। हाँ भाई। इन सबको एक एक सूटकेस दे दो। ठीक है भाई, जाओ। ए, कौन है ये खूबसूरत परी? दूरू, 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 दूरू,
लगता है स्वर्ग से अभी अभी उतर कर आ रही है। हाँ अच्छा तो तुम्हें पसंद है? ए पसंद आई तभी तो कह रहा हूँ ना। तो इसका पीछा करें भाई। गो अहेड, कम ऑन, गो अहेड। चलो ए सबके होश उड़ाकर चली गई। स्वीट 16 की तरह लग रही थी। अगर वो छोकरी लोकल है तो पक्का वो मेरी है। अरे वो शोकेस पे रखी गुड़िया है क्या? तू सोच लिया और तुझे मिल गई? वो भी एक खूबसूरत लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसकी क्या गारंटी हो सकती है? ए, तो भी वो लड़की मेरी ही होगी। उन्हें पास आने से पहले ही उड़ा दो। बाप रे, ये बहुत डेंजरस एरिया है भाई। अगर इस लड़की से दिल लगाएंगे तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ। अंतिम संस्कार करने के लिए अपने शरीर का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा भाई। ए, अरे डरपोको, असल में हुआ क्या ये बताओ। रॉयल सीमा में उस लड़की के भाई का बड़ा नाम है, जमींदारों का वंश है, अच्छाई को अच्छाई से बुराई को बुराई से किसी का भी सामना करने की ताकत है उसमें। उस लड़की के भाई का नाम है रॉयल सीमा रत्नाराम। ए तुम कुछ भी कहो, वो सब यहाँ नहीं है। कहीं भी हो लेकिन तुम्हारे जैसे 100 शिवाओं को चींटी की तरह मसलने की औकात है उसकी। डोंट वरी यार, किसी का प्यार पाने के लिए थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। शाबाश, तू अपनी बात पे कायम रह, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। श्योर श्योर। अरे बाप रे बाप, लगता पिक्चर शुरू हो गई। हेलो, ये लो दो टिकट। लेकिन दो टिकट किस लिए? हाँ, दोनों टिकट मेरे लिए। दोनों टिकट? हाँ, तुम्हारे लिए। ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो अगर एक सीट में छिपकली होगी तो मैं दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाऊंगा, और अगर दूसरी सीट पर हुई तो मैनेजर की सीट पर बैठूंगा। कैसी बात करता है, एक तो काम सूत्र फिल्म लगी है, अपने सारे दोस्तों को दूसरे थिएटर में भेज कर चोरी छिपे यहाँ आया हूँ। पहले बता देता हूँ, बाहर जो पोस्टर लगी है पर्दे पर नहीं आई ना तो मैं तुझे फाड़ डालूंगा। इले फाड़ दिया, चल जा। सर जाना आपको ही है, मुझे नहीं। सीट इतनी नरम और मुलायम है। ये क्या जी, सिनेमा हॉल में सबके सामने ये सब? इसलिए मैं कहती हूँ फिल्म दिखाने मत लाया करो। ये क्या, मेरी सीट बात कर रही है? लेटेस्ट टेक्निक है क्या ये? क्या वेट में टेढ़ा आड़ा लग रहा है? क्या वेट में टेढ़ा लग रहा है? मेरा सूट कोई मार कर ढीली हुई चप्पल मेरे लिए छोड़ गया कंजूस कहीं का, जिसकी बीवी पर बैठा हूँ, मारने के बजाय पूरा थिएटर मुझे मारने लगा। अरे बाप रे, बाजू में बैठ के खा ले बेटा, और चाहिए तो बोलना, शर्माना मत। ये सब क्या हो रहा है, जो खाना बनाया सब कुछ इसे दे दे रही हो, मेरे खाने के लिए कुछ है कि नहीं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जी, भिखारियों को देने के लिए और आपका खाना साथ में बनाया है जी। क्या भिखारियों को देने वाला खाना में मेरा खाना बनाया है तुमने? बाप रे बाप, मेरी कमाई का पैसा इस तरह कर्पूर की तरह उड़ा रही हो। क्या हुआ भाई, खा क्यों नहीं रहे हो? मटन करी चाहिए क्या? इतवार को दिन आना, मटन करी खिला। अरे बाप रे बाप, अरे मेरी माँ तो मुझे कम से कम पहचान नहीं रही है, आप तो मम्मी को बताओ ना डैडी। कौन है तेरा डैडी? अरे भीख मांगने वाला भिखारी, अब भी बताता हूँ तुझे। एक, अरे सुनती हो, ये अपना बेटा चंडी जैसा दिख रहा है। अरे ये तो अपना चंडी है, ये सब क्या है बेटा, ये शर्ट, ये पैंट, ये बनियान फाड़ के कौन मारा? किसने तुम्हें मारा, उसका सत्यानाश हो जाए। अरे बेटा, इस विचित्र गेटअप के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, रुक जरा मैं आपके लिए कराती हूं। बेटा तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने मारा बता, पकड़ता हूं। मैं बताता हूं, कीमती है ये सोच कर मैं ब्लैक में टिकट खरीद कर थिएटर के अंदर गया। थिएटर में पूरा अंधेरा था तो मैंने पूछा मेरा सीट कहाँ पर है, उसने बगल में बैठने को कहा, मैं बगल की सीट पर जाकर बैठ गया। एक औरत आ बोल के चिल्लाना शुरू कर दी, उसका पति बगल में था, वो कहने लगा मेरी बीबी की गोद में बैठता है, मारो मारो मारो, चिल्लाने लगा। आजू बाजू वाले सभी लोग आकर जहाँ जहाँ पसंद आया मारने लगे, और मेरा ऐसा हाल बना दिया उन लोगों। हाय रे बेचारा, मारने वाले बहुत कमी नहीं होंगे। लेकिन एक बात बता, तू तो टिकट खरीद कर ही अंदर गया था ना, तो फिर वो तुम्हारे सीट पर कैसे बैठ सकता है? दरअसल मैं धोखा खा गया था, वो नकली टिकट था। इसे पकड़ बेटा, वो नकली टिकट था। तू अंदर चल, मैं तुझे बताता हूँ। नजर उतारेगी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आरती उतारूंगा, आरती उतारूंगा।
है गौरी। सुन गोरिया दिल के चला के तू छुरिया, ऐसे बल खा के कहा तू चली, अर बड़ कम सिन है नाजुक कली, ऐसे इतला के जिया लल जा के आशिक को चुप के से डाल डोरिया। सुन गोरिया दिल के चला के तू छुरिया, सुन गोरिया दिल के चला के तू छुरिया। खबर है तुझ में दम है, तू है पटाका मस्त आइटम है, अरे शोलों से ज्यादा तुझ में तपन है, फिर क्यों ऐसे तू कर नखरारे, फिर क्यों ऐसे तू कर नखरारे, आशी को बजुब के से डाल डोरिया। सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, ऐसे बल खा के कहा तू चली, हर बड़ी कम सिम है नाजुक कली, ऐसे दिला के जिया ललचा के आशी को बचुप के से डाल डोरिया। सुन गोरिया सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया। जा दिल मेरी जान, तू चीज बड़ी है ऐसे में कमाल, क्या गुर गुर गाल है तेरे काले बाल, तेरी अदा पे दिल सबका फिदा है, तेरी अदा पे दिल सबका फिदा है, आशिक को चुप के से डाल डोरिया। सुन गोरिया सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, अरे ऐसे बल खा के कहा तू चली, हर बड़ी कम सिंह है नाजुक कली, ऐसे इतला के जिया ललचा के आशिक को चुप के से डाल डोरिया। सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, ओ सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया, सुन गोरिया दिल पे चला के तू छुरिया। हे हाय एवरीबॉडी, ए रुक रुक क्या रे, आज अलग अंदाज में बर्ताव कर रहा है। ये अंदाज तेरे लिए है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ बेवकूफ, होती तो कितना अच्छा होता, तुझसे ही प्यार करता। हाँ ठीक है, बोल क्या बात है, तूने सबको यहाँ बुलाया ये कहकर के यहाँ कोई प्रोग्राम है? मैं तुम सब लोगों के साथ
अपना प्यारा सा सपना प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। चल इडियट। आउट आउटसाइड। ए भाई भाई, कोई वहाँ जाए या नहीं, मुझे वहाँ जरूर लेकर जाना। लेकर जाओगे ना भाई? प्लीज भाई, जल्दबाजी मत कर। वो तुम्हारी तरह फास्ट नहीं है, सबको समझ में आए ऐसा बोलने तो दे। मुंह बंद कर। ओके, आज सब लोग एक साथ में जाएंगे और आज कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ। मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हें और प्रशांत को ही है, क्योंकि तुम दोनों की गारंटी लव है, गारंटी मैरिज है। शादी से पहले किसी को भी गारंटी प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। आज के जमाने में प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद स्वागरात के समय लोग घुस घुस कर आइडिया देते हैं। मेरा मतलब अपने को प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, क्यों? सही बात है ना? चलो चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आ रहा हूँ, बोला तो नहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब जा सकते हो। हम सब बेवकूफ है, बस तू नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मैं नहीं आ रहा हूँ बस। ए, तू आ रहा है कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ यार, पवित्र प्यार के साथ अन्याय होगा ये। ए, ओहो, ये बात बहुत अच्छी बात बोला तू। ये जो बोलता है वो कर, तो तुम दोनों का प्यार पवित्र रहेगा। ए, मुंह बंद कर। आगे की जिंदगी के लिए अनुभव बहुत जरूरी है, और उसी अनुभव के लिए मैं तुम लोगों को फोर्स कर रहा था। ए, चलो, ए, चलो, छोड़, छोड़, ए, चलो, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे टेंशन है, मैं कार में बैठता हूँ, तुम अंदर जाकर आओ। बाहर इतनी खूबसूरत है तो अंदर कितना खूबसूरत होगा। अरे रे रे रे, डर लग रहा है तो मन को काबू में रख, स्टडी की तरह, मेरी तरह। ए, ए, वो देख, आगे चल चल। एक समय था जब मैं आता था तब सिगरेट हुआ करता था, आज बीड़ी है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना। आई आई, हाय आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। क्या भाई जगत, सिटी में नहीं थे क्या? कितने दिन से यहाँ आए नहीं। सिटी में नहीं था आंटी, थोड़ा बिजी चल रहा था। ओ बाय द वे, ये सारे मेरे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। लड़कियाँ अपने कमरे में जाके तैयारी करो। खूबसूरत लड़की बोला था, यहाँ तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। मुंह बंद रख, यहाँ हर तरह की मिलती है। ओके। हेलो। हो, हाँ, ओ सॉरी, टोटल आज नहीं हो सकता, कहीं और जाकर देख लीजिए। अरे आंटी, टोटल टेंशन ला रही है, लगता आज प्रोग्राम कैंसिल होगा। हट, तेरी जान ले लूंगा। उठी जाओगे तो वहाँ मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है, वहाँ अरेंज करा सकती हूँ, डोंट वरी। ओके, लगता है तुम सब फ्रेश होकर आए हो। हम लोग पहले से ही फ्रेश है आंटी, लेकिन ये हमें जबरदस्ती लेकर आ गया। जगन जो भी करता है अच्छा करता है, तुम इस रात को हमेशा के लिए याद रखोगे। और तुम लोग जवान हो तो मैं किस बात की चिंता। फिर भी तुम सबकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्या? आंटी, हम सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मगर अनुभव के लिए जगन हम सबको यहाँ लाया है। आपसे मिलना, आपसे परिचय होना, हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मगर फिर भी सच्चाई। क्या आंटी, आजकल आपका मोटापा कुछ बढ़ गया है, वो ग्लैमर नजर नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इंसान की जिंदगी में सुख शांति ना हो तो ग्लैमर कहाँ से आएगा? दोनों में से एक भी ना हो तो ग्लैमर नहीं आता। आपको क्या कमी है, यहाँ तो सब कुछ है। है, फिर भी सब कुछ नहीं है। दुख तकलीफ में संभालने वाला ही अपने से दूर रहे तो क्या होगा, बोलो। अच्छा तो अंकल, तो फिर ये कौन है? कौन? वो एक समय था जब वो मेरा कस्टमर हुआ करता था, मगर अपना सब कुछ गवा कर आज ऐसा हो गया है। शादी करके मुझे खुशियां देने वाला अमेरिका चला गया है और वो 4 महीने तक लौट कर अच्छा, नहीं तो आ सकता। है आपका दुख, उनका नाम क्या है? डीके रामाराव। क्या रामाराव का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे क्यों उतर गए? ऐसी कोई बात नहीं आंटी, ये डीके रामाराव इस पीके का बाप है आंटी। इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी, चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज, ये मैच इंडिया जीतेगी। नो 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 नो, शोएब अख्तर बॉलिंग करेगा, ये सभी खिलाड़ी आउट इंडिया गए। क्लास का टाइम हो रहा है, तुम लोग क्लास में चल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आएगा कोई क्लास में नहीं जाएगा। अरे रिजल्ट क्या आएगा, पाकिस्तान पक्का जीतेगी। ये किस बात का झगड़ा है? देखिए ना सर, हम सब कह रहे हैं कि इंडिया मैच जीतेगी और ये अकेला कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। अब हम इससे बैट लगाने को कह रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये हम में से किसी एक से ही बैट लगाएगा, आप ही समझाइए सर। पाकिस्तान जीतेगी मैं बोल रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या? अर्जुन। असली नाम? अर्जुन। पिताजी का नाम? चंद्रशेखर। माँ का नाम? सरस्वती। तुम पैदा कहाँ हुए? हैदराबाद में। हैदराबाद किस राष्ट्र में है? आंध्र राष्ट्र में। आंध्र राष्ट्र किस देश में है? भारत देश में। एक बार फिर से बोल, तू कहाँ पैदा हुआ? हैदराबाद। हैदराबाद किस राष्ट्र में है? आंध्र राष्ट्र में। आंध्र राष्ट्र किस देश में है? भारत देश में। मैच कौन सा देश जीतेगा कहा था? पाकिस्तान। तेरा नाम अर्जुन है, तेरी मातृभाषा हिंदी है, तू हैदराबाद में पैदा हुआ बड़ा हुआ, तेरा राष्ट्र आंध्र है और तेरा देश है भारत, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान। मार डालूंगा,
आज या कभी भी जीत हमेशा भारत की होनी चाहिए। द ग्रेट इंडिया विन। भारत हारे ऐसा कभी मत बोलना। ये देख। ये देख। ये खून है, ये मेरा खून है, मेरे माँ बाप का खून है, तेरा खून है, हम सब का खून है, हमारे देश का खून है, हमारे राष्ट्र का खून है, और इसी खून से हमारे देश के तिरंगे की है शान, मेरा भारत महान। अब बोल किसकी जीत होगी? भारत की। सब एक साथ बोलो, जीत भारत की होगी। 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 तू कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कौन सी फिल्म देखने गया? फिल्म देखने नहीं गया था यार, सर्वर होटल में गया था एंजॉय करने के लिए। ए फेक मत तू, उस रेस्टोरेंट में हम लोग भी गए थे। ए क्या बोल रहे थे तू? हाँ तूने शायद हमको नहीं देखा, हम उस कॉर्नर में बैठे थे और तुम दोनों इस कॉर्नर में बैठे थे। अबे क्या है? मेरे जीजा जी ने सेकंड हैंड ये खटारा गाड़ी मुझे दिलवाया, इसमें ब्रेक नहीं है। मगर ये रास्ता कोठी को जाएगा क्या? क्या पूछा आपने? ये रास्ता कोठी को जाएगा क्या? ये रोड। रुक क्या बोला, फिर से बोल जरा। ये मराठी वाला लगता है। हाँ रोड कोटी चा जाना का। ओहो। एक बार फिर से बोलिए सर। इसकी ऐसी की तैसी मराठी से भी समझ में नहीं आ रही है। ये रोड कोटी को जाएगी क्या? म्यूजिक डायरेक्टर कोटी के बारे में वो कौन? मैं जानता हूँ। ए राजा तू तुरंत कोटी को फोन करके पूछ, वो मद्रास में, मुंबई में या दिल्ली में है। सही सही पूछ कर तू जरा सर को बता। ये बेचारा गया काम से। अरे जरा जल्दी बता। हैदराबाद में हो, मुंबई में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके ओके प्रॉब्लम सॉल्व। तो सुनिए, आप शादी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर कोटी को बुक करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा बंदोबस्त हम लोग कर देते हैं। पंडित जी कौन सी फिल्म का गाना बजा रहे हैं? कहो ना प्यार है या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जैसी मेरी किस्मत है वैसा गाना। पंडित जी आखिर आपने हमसे पूछा क्या? क्या पूछा था अभी बताता हूँ। देखो देखो, ये रास्ता कोटी को मरेगा क्या? ओहो, आप सुल्तान बाजार के बगल में जो कोटी उसके बारे में पूछ रहे हो? मेरी ऐसी की तैसी, कब से मैं यही पूछ रहा था। ओके सर, आप यहाँ सीधे। मैं बताता हूँ ना पंडित जी, आपको शादी में जल्दी पहुंचना है ना। अरे भाई शादी में अगर मैं देर से पहुंचा तो चलेगा, लेकिन ये मंत्री की मैयत है। ठीक है ये पकड़ो। मैं आपको बताता हूँ। ए तुम लोग पंडित जी को बुद्धू क्यों बना रहे हो? आप पहले इस बाइक पर बैठो। चढ़ गया, स्टार्ट किया और फिर ऐसे चले जाओ। ठीक है। अरे वो वहां जा रहा, मैं यही हूँ। अरे बाप रे। अरे बाप रे बाप। अरे बेटा, अरे बेटा। पंडित जी बड़े मजे से पूछ रहे हो, वो लेडीज है। लेडीज है क्या? हाँ। और वो मर्द है क्या? तेरी ऐसी के तैसी। अरे सुन, तेरा दोस्त गाड़ी लेकर भाग गया मगर अब तक लौट कर नहीं आया। कौन सा दोस्त? किसकी बात कर रहे हो? रास्ते में बात करने वाला क्या दोस्त बन जाता है? क्या मतलब तुम्हारा फ्रेंड नहीं था? ठीक, मैं उसे नहीं जानता। पंडित जी अपना बॉयफ्रेंड कोई नहीं है, सबकी सब गर्लफ्रेंड है। इसकी ऐसी की तैसी, लगता है यहाँ के बारे में जो मैंने सुना था वो सब सच है। हैदराबाद में एक से बढ़कर एक चोर और निकम्मे है। मेरे जीजा ने मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेकर दिलवाया था, उसे भी लेकर भाग गया। तुम्हें पुलिस का हवाला जरूर करूंगा। नहीं बाबा, पुलिस के पास जाऊंगा तो वो उल्टा मुझे मारेगा। वाओ। बेबी नहीं रे आंटी। अरे बेबी कौन है रे? वाओ, वो आंटी कम बेबी ज्यादा लग रही है। क्या एटम है रे? एक वाओ, उसकी फिगर तो देख यार। हम जा रहे हैं और ये आ रही है। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होती तो कितना मजा आता। अपने से किस्मत वाले तो हमारे जूनियर हैं। तू बिल्कुल करेक्ट बोला रे। वाह क्या बात है, बिल्कुल लाल एप्पल की तरह दिख रही है यार। क्या लगती है, क्या दिखती है, क्या चलती है रब्बा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो आप
आई एम रोजी, आज ही ज्वाइन की हूँ, लेक्चरर हूँ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा, नहीं तेरा सर। हाँ सर, अलग मूड में। अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है, उसी से पूछ लेते हैं ना। सर क्या बात है, आज आप सेपरेट मूड में हो? सेपरेट मूड नहीं, आज मैंने कॉलेज में सुंदर सा अद्भुत को देखा है। वो अद्भुत क्या है सर? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, जब से मैंने उसे देखा है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और दिख जाए, दिख जा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम आपका ये रोज फ्लावर नीचे गिरा हुआ था। थैंक यू। ये फूल मैं दे सकता तो कितना अच्छा होता। अगर प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकले और हम दोनों को इस हालत में देख लिया तो और भी अच्छा होगा। बाय द वे, मेरा नाम रोजी है, मैं तुम्हारी नई लेक्चर हूँ। आज के दिन इस जगह पे कदम रखते ही और यहाँ का निर्मल वातावरण देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। थैंक यू। चुप अपना मुंह बंद कर। आज तू फिर लेट हो गया क्या है? सेम प्रॉब्लम, दोबारा जेब सिलवा कर आ रहा हूँ। और क्या रे, कल तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मिलकर बेवकूफ बनाया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या रे सर, मैं काला हूँ, मेरा बेटा चंडी इतना गोरा कैसे हुआ? तुम्हारे पिताजी को शक है इसलिए मुझसे पूछने आए थे। मेरे अलावा मेरे पिताजी को भी इस बारे में डाउट है, हम दोनों का ऐसा ही है, गली में सभी लोग हमको डाउट की नजर से ही देखते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करूं भी तो क्या करूं, सुबह उठते ही वो लोग ऐसे देखते हैं। सुन तो, तेरे मम्मी डैडी को ये डाउट क्लियर नहीं हुआ क्या? अभी तुमने आइडिया दिया ना, अभी मैं सीधे वहीं जाता हूँ। कैसे? अपने पिताजी के पास कि पिताजी ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ये डिफरेंस इतना कैसे है, आज अंग्रेजी में जाकर पूछूंगा। हमारे बीच की जो बातें हैं उसे हम ठंडे दिमाग से करेंगे, ठीक है ना? फिर मैं अपने प्यार के बारे में बोलूं? बोलूं क्या? अच्छा तो अपने प्यार के बारे में बताऊं? अम्मा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता ना। एक रोज मुझे एड्रेस देकर मिलने के लिए कहा तो मैं गई। जिप में बंद कर दिया। जिप बंद कर दिया? अरे वो वाला जिप नहीं, बैग के जिप में बंद किया। बैग जिप? चुम्मा देकर बहला लिया क्या? बहुत प्यार किया। ओह, उस प्यार को भुला नहीं सकती। अगर हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करेंगे तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। सच कहती हूँ। भाग कर क्यों भला? हम लोग फाइट करके तुम्हारी शादी करवाएंगे, धूमधाम से करेंगे शादी तुम्हारी। सच कह रही तुम? हमारी काजल सच कह रहे हमारी। और बताओ छोटी, कैसा है हैदराबाद का मौसम? बाहर जाने में मुझे बहुत डर लगता है भैया। वो क्यों? मैं जिस रास्ते से जाती हूँ भैया, वहाँ एक चिलर गैंग है, वो मेरा पीछा करते हैं, कभी कभी मेरी गाड़ी रोक लेते हैं और शरारत करते हैं। ऐसी बात है तो तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई हमने ध्यान नहीं दिया, बहन कह रही है तो हम देखते हैं। उस गैंग के बारे में बताओ बहन, मैं उन सारे लड़कों के हाथ पैर तोड़कर उनके घर वालों को पार्सल कर दूंगा। बहन तुम चिंता मत करो, सालों के जेब में बम रख कर फोड़ूंगा। नहीं ऐसा मत करना, हम इस काम को छोड़ने के लिए यहाँ आकर बसे हैं। पहले उन्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दो, फिर सोचेंगे उनका क्या करना है। तुम खाओ। सुनो 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 सुनो, अभी मैं जगन का इंटरव्यू लूंगा, तुम सब देखना। इंटरव्यू कौन से चैनल के लिए होगा? हाँ सभी चैनल के लिए। अरे जगन तुम्हें हैदराबाद आए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ओ 3 साल, तो फिर कितनी लड़कियों से परिचय हुआ, बताओ जल्दी। बहुतों को किया मगर मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है, वही लड़की मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। अच्छा अबे जा बे, तुम्हारे दिल में जो भगवान है मैं उनके बारे में नहीं जान रहा हूँ, यहाँ की जो लड़की है उनके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ की सभी लड़कियों को पसंद करता हूँ,
और वो भी मुझे पसंद करती है। ए, यहाँ की लड़कियों के साथ जो तुमने मधुर पल बिताए हैं उनका जरा हमें अनुभव तो बताओ। अपनी जिंदगी में एक लड़की को तो मैं कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा ऐसा कोई तेरे मेरे जैसा। डिस्को डिस्को डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा ऐसा कोई तेरे मेरे जैसा। सोचे कोई कैसा कोई कर पाए ना वैसा बिल्कुल तेरे मेरे जैसा। हम दोनों का दिल दीवाना झूमे नाचे गाएगा ना कौन करेगा ऐसे माना रे। हे झूमेगा सारा जमाना सुन के अपना प्रेम तराना हमने भी तो यही है ठाना रे। फिर डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा वैसा कोई तेरे मेरे जैसा। सोचे कोई कैसा कोई कर पाए ना वैसा बिल्कुल तेरे मेरे जैसा। हे चुपके से क्या बोलना प्यार पे कोई जोर चले ना ये तो सब कोई जाने रे। हो तेरा मेरा साथ रहे प्यार की बरसात रहे होठों पे ये बात रहे रे। हाँ खुल्लम खुल्ला सब कोई जाने हम तो हैं ऐसे दीवाने चाहे कोई ताना मारे रे। हाँ डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा वैसा कोई तेरे मेरे जैसा। सोचे कोई कैसा कोई कर पाए ना वैसा बिल्कुल तेरे मेरे जैसा। जा प्यार की राहों में तुझे छुपा लूं बाहों में ले लूं तुझे पनाहों में रे। हाँ यही तो मेरी चाहत है तू ही मेरी मोहब्बत है तू ही तू निगाहों में रे। हाँ डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा वैसा कोई तेरे मेरे जैसा। दोनों का दिल दीवाना झूमे नाचे गाएगा ना कौन करेगा ऐसे माना रे। हाँ झूमेगा सारा जमाना सुन के अपना प्रेम तराना हमने भी तो यही है ठाना रे। डांस करेंगे ऐसा कोई किया ना होगा वैसा कोई तेरे मेरे जैसा। सोचे कोई कैसा का नसीब मेरे जैसा नहीं होता है। वो कैसे? शादी से पहले मैं इतनी खूबसूरत लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। ओफो, जब देखो रूटीन डायलॉग बोलते रहते हो, कोई नई बात नहीं कर सकते क्या? ओके रूटीन लव कार्ड, अब मैं तुझे दूसरी तरीके से प्यार करता हूँ। वो कैसे? आँखों से। अगर ये बात है तो करके दिखाओ ना मुझे। रहने दो, एक को देखना भी रूटीन लव होता है। तो फिर हम दोनों मीठा प्यार करेंगे। मीठा प्यार? वो भी पुराना है, आउट ऑफ फैशन है। कुछ नया प्यार करके दिखाओ ना प्लीज। नया मतलब अपनी आंखें बंद करो। बंद जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। ठीक है।
मैं चलूँ क्या? कहाँ पर? आप जहाँ कहें मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा नाम? सुजाता। तुम रहती कहाँ हो? कुक्कड़पल्ली के एक एरिया में। घर भाड़े का या खुद का? भाड़े का है, चलो चलते हैं। और अगर तुम्हारा पति आ गया तो? उसी ने तो ये स्थिति लाई है। चलो। तो उसके आने से प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो। क्या हुआ, उधर ही रुक गए? आओ। अरे जा भाई, टेंशन मत लो, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, इसे तुम अपना घर ही समझो। चलो अब दारू के लिए पैसे निकालो और बताओ तुम्हारा ब्रांड कौन सा है। हाँ वैसे रेगुलर तुम कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हो? आदमी को हमेशा एक ही ब्रांड में स्टे करना चाहिए, रॉयल चैलेंज बेस्ट है, दोनों मिलकर पीते हैं। अच्छा बताओ तुम इसके पति हो क्या? तुमने इसे रखा हुआ है या तुमने इससे शादी की? अग्नि के सामने सात फेरे लेकर मैंने इससे शादी की है। सुनो भाई को जरा शादी के फोटो दिखाओ। तुमने अपनी पत्नी से अग्नि को साक्षी मान के शादी की है तो मैं तुम्हारी पत्नी का क्या लगूंगा? क्या लगेगा, जस्ट अ कस्टमर, ऐसा आया है ऐसा चला जाएगा। आना जाना छोड़ दे। हाँ। अगर तू अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो मैं तुम्हारी बीवी को परमानेंट रख लूंगा, क्या बोलता है? अरे बाप रे, ये तुम्हें इतनी पसंद आई? पसंद आई इसलिए तो। ठीक है, तुम मुझे 100,000 रुपया दो, मैं 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पर साइन कर देता हूँ। तुम उस पर जो मर्जी में आए लिख लेना। तुम जब मेरे हाथ में 100,000 रुपया रखोगे तब से ये डील चालू हो जाएगा। सुनती हो भाई क्या बोल रहे हैं? मैंने जो शर्त रखी है वो ठीक है ना? लुच्चा लफंगा कहीं का, मैं अगर तेरा भाई हुआ तो तेरी बीवी मेरी क्या लगेगी, क्या लगेगी बोल? भाभी भाभी ही नहीं, देवर के लिए भाभी माँ समान होती है। छोड़ दो मेरे पति को। शादी आ रही है, इसे अगर कुछ हो गया ना इससे पहले तो मैं मार डालूंगा। रुकिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए इन्हें। करने के लिए अपनी बीवी से माफ कर दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज माफ कर दो, मेरे पति को मत मारो। इसे क्या चुप रहा है? छोड़ दो। इसके लिए इतना क्यों गिला रही है? ये तुम्हारा पति है क्या? ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे धंधा करवाता है और तुम इसके लिए गिड़गिड़ा रही हो। अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर लोग बीवी को घर लेकर आते हैं, जिंदगी भर उसका ख्याल रखते हैं और ये है कि तुमसे धंधा करवाता है। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे कदमों की धूल चटवा के रहूंगा। कहाँ गए, कहाँ गया, छोड़ूंगा नहीं। ए कहाँ है ये? ए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दो, पति को मत मारो, मेरे पांव पड़ गए, मत मारो। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधोगे अभी ठीक हो जाएगा। तुमने जो गलती की है उसके बदले इस वक्त एक अंग ले जा रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती की तो सर काट के ले जाऊंगा। इस बात को याद रखना बहन, तुम अपने जिस्म को फाड़कर एक इंसान को जन्म देती हो, तुम्हारी पवित्रता भंग ना हो यही मैं चाहता हूँ, बस इस बात को याद रखना। चलता हूँ मैं। प्यार करने वालों का वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्यार करने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। प्यार जिंदगी की समस्या नहीं है, उम्र की समस्या है। जब किसी लड़की की उम्र ढलती है तो अनुभवी लोग उसे ट्रेस कहते हैं, ये सच है ना? प्यार में एक अलग रंग और स्वाद होता है। प्यार गिरकर उठने वाला एक बेल का पेड़ होता है। सो लव फर्स्ट, करियर नेक्स्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे कितने लोग लव ट्रैक पर हैं? लव का अट्रैक्शन ऐसा होता है, ठीक है ना? सबका तो ठीक है, लेकिन तेरे प्यार का क्या हुआ? क्या रे, तेरे हार्ट बीट को टच करने वाला हार्ट अब तक तुझे टच नहीं किया क्या? मेरे हार्ट बीट को टच करने वाले के हॉट हार्ट को मैंने पहले से ही रिजर्व करके रखा है, समझा? शिवा, देख तेरी गर्लफ्रेंड अकेलापन महसूस कर रही है, जाकर उसे मिठाई खिला। ए, ए, क्या चल रहा है? हेलो गणेश,
मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। तुम जल्दी आ सकते हो ना? देखो मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। सत्या मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। ओके बाय। सत्या हाँ? क्या हुआ, गणेश अब तक नहीं आया क्या? हमेशा ऐसा ही करता है इडियट। फोन किया क्या? मैंने उसे फोन किया था। हेलो, धोखा किया। उसने कहा कि मेरे पास आ रहा है, लेकिन मुझे धोखा देकर अपनी प्रेमिका के पास गया है। मुझे प्यार में कोई धोखा दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या पागल जैसी हरकतें कर रही हो? अरे क्यों काट लिया तुमने? अरे गाड़ी लाओ, गाड़ी। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस लिए? हर रोज की तरह तुम मुझे तंग नहीं कर रही। इसका मतलब मैं तुम्हें हर रोज तंग करती हूँ क्या? और क्या, हम दोनों जब भी साथ होते हैं तुम अपने सिवा और कहीं मुझे देखने ही नहीं देती हो। मैं तुम्हारे प्यार में मर रहा हूँ सत्या। मैं जिसे चाहती हूँ वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, यही मेरी आशा है। सॉरी मम्मी, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. It's okay. उसके साइकोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट है क्या? उसके बारे में सोचिए जरा। जो बचपन से ऐसा है उसको अब क्या ट्रीटमेंट देंगे, फिर भी सोचते हैं। लेकिन तू मेरी पत्नी को कुछ मत बोलना। गणेश मुझे माफ कर देगा क्या? जरूर वो तुम्हें माफ कर देगा, आज के बाद तुम उस पर कभी शक नहीं करोगी। ठीक है मम्मी। हम जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं, किसी भी हाल में ये शादी हो कर रहेगी। ठीक है, थैंक यू। सत्या कैसी है पिताजी? हाँ अब वो ठीक है, जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सत्या ने तुम्हें सॉरी कहने के लिए कहा है। ये क्या जी, पहले गलती करो फिर बाद में सॉरी बोलो, जब देखो तब हर एक बात पर शक करते रहते हो हमारे बेटे पर। थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया कर बेटा। बेटा तू अपने प्यार के लिए जितनी मेहनत कर रहा है उतना ही हम तुम्हारे माँ बाप होने के बाद कर रहे हैं। बेटा हम इसे किसी बात के लिए मनाएं, इतना छोटा नहीं है ये हमारा बेटा, समझे? तू आराम कर बेटा। हाय, क्या हुआ, अर्जेंटली बुलाया? ए, क्या हुआ, डल दिख रहा है? सत्या के मामले में मैंने एक डिसीजन लिया है, तुम अपनी मुझे राय दो। बात क्या ये तो बता। लवर्स डे वाले दिन मैंने ही था, जानते हो सत्या ने क्या किया? और तुम लोगों ने भी मुझसे छुपाया। सच्चाई जानने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। अरे यार, जो बीत गया उसे याद कर रोने से क्या फायदा। तुम दोनों मुसीबत से निकल गए, अब दोनों खुश तो हो ना? तू जानता है कि मैं खुश नहीं हूँ, सत्या को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे उसका प्यार नहीं चाहिए और ना उसके साथ मैं शादी करूंगा। उसने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या उससे कोई भूल हो गई है? मुझे क्या हुआ, ये जाने बगैर वो आत्महत्या करने कैसे चली गई? दोबारा ऐसा नहीं करेगी, क्या गारंटी है? नुकसान तो मुझे ही होगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वादा करके मुकर जाना,
इतना आसान नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? ये तू क्या छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है? तू अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है? तू खुद को सत्या की जगह पर रखकर सोच, वो तुझसे अलग होकर जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरी नजर में वो सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन तू नहीं, यही सच है। गणेश, एक लड़की जिससे प्यार करती है उसके लिए इतना कुछ करती है जितना अपने माँ बाप के लिए भी नहीं करती। इस तरह प्यार करने वाली लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्त। यह भी सच है। अच्छा आओ दामाद जी आओ, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। किस लिए अंकल? शादी के लिए गणेश, तुम्हें कौन सी कार पसंद है, हम वो तुम्हें प्रेजेंट देंगे। मुझे कार चाहिए ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, हमारे बीच जो रिश्ता है वो ठीक रहे बस। तुमने सामने से नहीं मांगा, हम खुद ही दे रहे हैं। हम तुम्हें प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ सत्या नहीं आई। सत्या मेरे साथ क्यों आएगी? आंटी हाँ? गणेश आजकल मुझसे दूर दूर भाग रहा है और कुछ अलग सा भी बर्ताव कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी मैं उसे समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, नाश्ता करो। बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ। नमस्कार सर। ये क्या जनार्दन, एग्जाम के पहले एब्सेंट हो गए? आजकल मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया हूँ सर। तुम जैसे लालची बेवकूफ को प्यार करने वाली मूर्ख लड़की कौन है बेटा? आपकी बेटी है। सत्या नहीं आई तो बस है, गणेश बहुत हैप्पी रहता है। गणेश हमेशा खुश रहे, हम ये भगवान से दुआ करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो। गणेश को पता है। ए गणेश इसको बता ना। वो एक छोटा सा जोक्स है। बोल रहे। कुछ नहीं रहे, आज सत्या कॉलेज में नहीं आई इसलिए। क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे डीप डिस्कशन चल रहा है। हाय हाय। तुम दोनों को देखकर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। वो डाउट क्या है भाई? वो ये, तेरे जेब में कितने पेन हैं? सिर्फ एक। मेरे जेब में कितने हैं? दो। अब कितने हैं? एक है। है ना, अगर एक गिर गया तो दूसरा सेफ्टी के लिए है ना। मुझे कुछ कहना है, अभी सर मत पकड़, इधर आ, चल आ जा। इधर सब कुछ सेफ होना चाहिए। ये शर्ट है ना? हाँ है। इसको देख, सेफ्टी के लिए पहना। हाँ, पता है। हाँ, ये देख पैंट है ना? यस। दूसरा सेफ्टी के लिए पहना है। ऐसा है? दिखाता हूँ तुझे। अबे तू कहना क्या चाहता है? कुछ भी नहीं रे, प्रशांत और गणेश की तरह एक से ही प्यार करना अच्छा है या तेरी तरह सर पकड़ना अच्छा है? मेरी तरह दो से प्यार करेगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी, कैसा है आइडिया? अच्छा है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है, डबल एक्सेलेंट। थैंक यू वेरी मच। राधा शांति, एक्सक्यूज मी, एक मिनट आता हूँ। अरे क्या नमूना है, इसका बाप आधा पागल है और ये पूरा पागल है। उसके बुलाते ही तू भाग कर गया था, होश ठिकाने लग गए। हाय स्वीट ब्यूटी, आज भी तुम्हें मुझ पर प्यार आया या नहीं? इस गली में ही नहीं बल्कि सारे शहर में मेरी बहुत बड़ी पहचान है। जो लड़की मुझको पसंद आ जाती है वो तुरंत मान जाती है। मैं तुम्हें पसंद आया, प्लीज। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें एक क्षण में ला कर दूंगा। कौन है बे? आगे बढ़े तो बम से उड़ा दूंगा। सबकी जेब में एक एक कड़ा बम है, देख लो। ए, ओ, ओ, ए, रॉयल सीमा रत्नाराम के पावर से ये पत्थर भी पाउडर बन जाता है। ए, तेरा ये पावर वहां पर रख, यहाँ नहीं चलेगा। जितना वहां पर तेरा पावर है उतना ही पावर मेरा यहाँ पर चलता है। ए, ए, जा रे, तेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं मेरे हाथ में खेल रही मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते हैं। ये तेरे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। आज के बाद अगर मेरी बहन की ओर आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल कर तुम्हारे हाथ पे दे दूंगा और उस जगह पर कड़क बम लगा दूंगा। मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने रिमोट दबा दिया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। क्या रे, चलो। अल्लाह के नाम से भाई, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी से आ जाइए। सिक्सर सचिन, सिक्सर मारो मारो। सचिन ने सिक्सर मारा, दो डालो, दो डालो सबको, दो डालो, दो डालो। सिक्सर है सचिन का? सिक्सर है, अच्छा है। शर्म नहीं आती?
काम छोड़कर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा है? गलती होगी भैया। ए, तेरा इनकम कितना है रे? कुछ भी नहीं है भाई। उसकी कितनी है पता है? नहीं पता है भाई। ए, ये क्रिकेटर चौका मारे तो पैसा मिलता है, छक्का मारे तो पैसा मिलता है, शर्ट पर विल्स लिखे तो पैसा मिलता है, बैट पर ब्रिटानिया लिखे तो पैसा मिलता है। इतने में भी बस नहीं होता तो हम लोगों को फुल बनाकर मैच फिक्सिंग करके देशद्रोही कर रहे हैं। उन लोगों का कमेंट्री से क्या लेना देना? पहले तू पैसा कमाना सीख। भाई ऐसा है कि मुझे भीख मांगने में शर्म आती है। अच्छा, जिस दिन खाने को नहीं था उस दिन शर्म नहीं आई, आज शर्म आती है? आज 555 सिगरेट पी रहा है, कॉफी पी रहा है, आज तुझे शर्म नहीं आ रही है? ए, उस दिन भी नहीं, आज भी मैं बिना शर्माए सिग्नल पे भीख मांग सकता हूँ। समझ गया तू? तू इस कॉलेज के सभी लेक्चरर्स में आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हो और आपकी हेयर स्टाइल धर्मेंद्र की तरह है। सही बात है ना? और अंदर की बात का आपको पता नहीं है सर, अपने कॉलेज की 90% लड़कियां आपको लव कर रही हैं। आपके सामने आकर वो ऐसा कहेंगी, वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही हैं। पहली बार आपको देखा तो मुझे लगा मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ, लेकिन बीच में गणेश आ गया। लेकिन आज भी मेरा दिल आपसे बहुत प्यार करता है सर। हाँ सर, अभी आप लोग सब जब ऐसा बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि सब सच है। तभी जब मैं एंट्री करता हूँ तो सारी लड़कियाँ छिप छिप कर मुझे देखा करती है और मुझसे दूर दूर रहती है। इसका वजह यही है लगता है। देखो, अगर इस बारे में प्रिंसिपल को, लेक्चरर्स को, मेरी बीवी को और मेरे गली के बच्चों को पता चल गया तो मैं उनके सामने सर उठा नहीं सकता। इसलिए तुम सबको ये बात बताओ, ठीक है सर, कि वो लोग मेरे ऊपर कोई आशा ना रखे। आपने हिंदुस्तानी में कमल हसन को देखा है क्या? नहीं देखा है। क्यों? दम में दिए मिर्जा को देखा है क्या? अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म देखी है क्या? नहीं देखा है। ये सब छोड़िए सर, नटरत्न, पद्मश्री, नंदमोरी, तारक रामाराव जी, फिर से श्री कृष्णा के गेटअप में आप आकाश से सीधे हमारे कॉलेज में पधार रहे हैं सर जी। आप दिखने में ऐसी लग रहे हो सर। आपको अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए। गेटअप चेंज। यस। ओके। अरे वो देख पंडित जी। अरे बाप, भागो भागो, चल 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 चल। बेटा। हाँ, आज का हेडलाइन क्या है? हाँ पढ़ता हूँ। एक आदमी ने एयरपोर्ट से एरोप्लेन को उठाकर ले गया। अरे इसकी ऐसी की तैसी, एयरलाइंस को उठा कर ले गए तो मेरी गाड़ी किस गिनती में आती है? यही तो बात है। अरे तू रुक 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 रुक। किधर भाग गया साला? मुझे फंसा दिया उसने। अच्छा, ए नारियल वाला। हाँ जी, एक नारियल दे जरा। इस सिटी में सड़क छाप गुंडे बहुत हैं। हाँ सही बात है। मेरी सोने जैसी गाड़ी को कोई उठा कर ले गया। हाँ अच्छा अच्छा। अगर वो बदमाश मुझे मिल गया तो मैं उसे नारियल की तरह छील दूंगा। हाँ क्या? ये नारियल कितने का है? ले मैं अपने मन से देता हूँ। हाँ ले, इसका पानी भी कड़वा है। इसकी ऐसी की तैसी वो मिल गया मुझे तो। हाँ क्या बात है सर, पेड़ के पीछे छिप छिप कर क्या लिख रहे हो? क्या सस्पेंस है? ऐसी कोई बात नहीं है, इस कॉलेज की ड्रीम गर्ल ने मुझे जो लव लेटर लिखा है उसका जवाब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिनेमा डायलॉग के लेवल में। गुरुजी, ये लव लेटर आप घर में भी लिख सकते हो ना, यहाँ इतने लोग घूमते रहते हैं, कोई देख लेगा? अरे बाप रे, मेरे घर में अगर मेरे बीवी को और मेरे बच्चे को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं सर? जल्दी से लेटर लिख दीजिए, वहाँ लड़कियाँ बेसब्री से आपके लेटर का इंतजार कर रही हैं सर। लव लेटर है ना, इससे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आप सुंदर हैं, इतना ही बहुत है। मैं खूबसूरत हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग खूबसूरत नहीं है, इसलिए सफाई से लिख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, आप लिखिए सर, लिखिए। तू रुक, मैं बोलता हूँ। डियर सत्या, तुम्हारी खूबसूरती पर लिखना मेरी आदत बन चुकी है। दरअसल
तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही मेरे रग रग में खून का टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है तू ही बोल। लिखिए सर, बॉडी का स्ट्रक्चर ही खून का टेम्परेचर बढ़ाता है। मुझे नहीं, 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 सर, ये बुरी आदत मुझे क्यों रहेगी? क्यों सर, मैं आपकी लवर के बारे में क्यों सोचूंगा? मान लीजिए कि एक बार मैंने ऐसा कर भी दिया तो मैं आपके गुरु शराब से तो बच ही नहीं सकता हूँ। देखो लड़के, मेरी बात सुनो, सुनो तुम लोग सुनो, इस लेटर कांड के बारे में तुम लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं चला। किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, बोलो बोलो। जितना लिख दिया उतना बस है सर। हाँ ठीक है, आगे बोलो। ठीक है ना, चलो बोलो। अच्छा, हम आखिरी फिनिशिंग टच दे देते हैं। फिनिशिंग टच। हाँ सर, हाँ सर, लिखो लिखो। हाँ लिखो। बोलो। तुम मेरी बाहों में कब बिखर जाओ, उस पल का इंतजार करने वाला तुम्हारा खूब। अच्छा, एकदम लाजवाब, एकदम लाजवाब। लाजवाब लाजवाब है उन बेकार लड़कियों से अच्छा तो मैं हूँ ना। आइटम है, हाय 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 हाय। क्या आइटम है? कॉलेज की क्या लड़की है रे, क्या मस्ती है रे, क्या जस्ती है रे। हाय 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 हाय। क्या आइटम है? हाय 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 हाय। क्या आइटम है? कॉलेज की क्या लड़की है रे, क्या मस्ती है रे, क्या जस्ती है रे। होय 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 होय। गोरा गोरा मुखड़ा, तीखी नजर है, होठ है गुलाबी, पतली कमर है। उफ ये जवानी आग लगाए, उफ ये जवानी हाय आग लगाए। लेते अंगड़ाई हाय, तौबा क्या दिखती, क्या आइटम है। होय 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 होय। क्या आइटम है? कॉलेज की क्या लड़की है रे, क्या मस्ती है रे, क्या जस्ती है रे। होय 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 होय। मालनी कभी लगती है करीना, कभी लगती है मामालनी, कभी लगती है करीना। कभी तो ये प्रीटी जेंटा, कभी तो कैटरीना। यौवन का इस पे मौसम है आया, यौवन का इस पे मौसम है आया। पूरे बदन पे जादू है छाया, क्या आइटम है। बाबा 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 बा। क्या आइटम है? कॉलेज की क्या लड़की है रे, क्या मसी है रे, क्या जती है रे। होय 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 होय। लैला और मजनू का, सलीम अनारकली का, लैला और मजनू का। नाम ये अमर रहेगा तेरे मेरे प्यार का। दिल करता है मेरा तुझको मैं प्यार दूँ, दिल करता है मेरा तुझको मैं प्यार दूँ। अपनी ये जिंदगानी तुझ पे ही बार दूँ। क्या आइटम है? होय 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 होय। क्या आइटम है? कॉलेज की क्या लड़की है रे, क्या मस्ती है रे, क्या जस्ती है रे। होय 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 होय। गोरा गोरा मुखड़ा, तीखी नजर है, होठ है गुलाबी, पतली कमर है। उफ ये जवानी आग लगाए, उफ ये जवानी
आग लगाए लेते अंगड़ाई हाय तौबा क्या देखती क्या आइटम है होए 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 क्या आइटम है कॉलेज की क्या लड़की है रे क्या मस्ती है रे क्या जस्ती है रे होए 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 गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बालकनी का काम पूरा होगा क्या आज पूरा हो जाएगा सर हाँ नमस्कार साहब जी आपकी दया से मेरा पति अब पूरी तरह से बदल चुका है सुनकर खुशी हुई बहन ओम गाड़ी नमः इस गाड़ी को मैं ले लूंगा नमः ये लावा इस गाड़ी लगती है नमः ये सब मेरा हो गया नमः इससे मेरी दरिद्री दूर हो जाएगी भाई रुक 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 ये सब क्या है भाई ये किसी की लावारिस गाड़ी है इसके टुकड़े टुकड़े करके हुसैन सागर में मिला दूंगा भाई समझे क्या ये लावारिस गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी है ये मेरे जीजा ने मुझे इसे दिलवाया था देखो इधर मैं ये नहीं जानता किसी ने मुझसे इस गाड़ी की अंतिम संस्कार करने को कहा है अगर रोकना है तो 100 की हरी पत्ती दो अच्छा अच्छा रुक 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 आँख बंद करके दो पत्ती मारता हूँ मेरी गाड़ी का अंतिम संस्कार कर रहा है तू आ इधर तेरी तो इधर आ अरे देखो क्या लिखा है पंडित जी हमने खेल खेल में आपसे मजाक किया है हमें माफ कर दीजिए इस लेटर में हम 100 रुपया रख रहे हैं हमें आशीर्वाद दीजिए तेरी ऐसी की तैसी सुखी रहो रो मत बहन वो क्या छोटा बच्चा है जो खो जाएगा लौट कर वापस जरूर आएगा मेरा प्यारा चंडी एक ही लौता बेटा है वो अगर लौट कर वापस आ गया तो मैं 1000 नारियल भगवान को चढ़ाऊंगी भाभी जी वो आएगा आप दोनों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कौन है ये लोग बेटा मेरा लाडला बेटा तू सच में मेरा बेटा है ना मेरा चंडी है ना मैं सचमुच में तुम्हारा इकलौता बेटा विशाल ही हूँ फिर तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है ये सिकंदराबाद के तोते हैं डैडी आपकी बहू है देखो तो मैं अब भी बताता हूँ रुक जा रुक 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 बच्चे पहले पता तो करे क्या जल्दी पता कर ले पति की जान बहुत महंगी है तुमने इन दोनों से शादी कर ली है हाँ माँ बेटा कोई भी मर्द ना किसी एक ही से शादी करता है तूने दोनों लड़कियों से शादी क्यों की बेटा ये समझदारी है माँ सपोज दोनों में से कोई एक किसी दिन मुझसे लड़ झगड़ कर वापस अपने मायके चली गई तो सेफ साइड के लिए दूसरी तो मेरे साथ रहेगी ना समझदार बेटा अगर तुम्हारी ये समझदारी थोड़ी सी भी तुम्हारे पिता में होती तो क्या होता आपका घर टूट जाता माँ क्या रे अभी तक तुम दोनों कह रहे थे तुम्हारा बच्चा बहुत नादान है और एक साथ दो बीबियां लाया है और सेफ्टी बता रहा है इसे एक बार अंदर डालूंगा तो सब समझ में आ जाएगा अभी रोड पे क्या ड्रामा है जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ अब अंदर चलो रुको 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 एक मिनट रुको बहुए तुम दोनों ने अपनी पसंद से शादी किया है ना हाँ ससुर जी हमने आपकी बेटी को पसंद करके ही शादी की है हाँ ससुर जी आप हमें एक काम बताएंगे काम डबल करेंगे एक काम करते हैं और देखते हैं शायद ये फोन छोड़ देगा ये क्या छोड़ेगा मॉर्निंग मैटनी फर्स्ट शो हो जाएगा तब भी ये नहीं छोड़ेगा हमको ही कहीं दूसरी जगह जाकर ट्राई करना पड़ेगा यहाँ बहुत सारे लोग फोन करने के लिए वेट कर रहे हैं सच में हम दोनों का मिलन हमारी किस्मत में है ना तू फोन छोड़ेगी कि नहीं ए भाई आप भी तो इससे बोल सकते हैं ना एक घंटे से फोन पे लगी है ए मिस्टर बिहेव योरसेल्फ मैं अर्जेंटली अपने लवर के साथ बात कर रही हूँ आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं सच में तुम्हारे भैया रॉयल सीमा रतन रेड्डी को हम दोनों पर शक तो नहीं हुआ है ना ठीक है हाय 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 ए जगन लगता है ये कॉलेज तुम्हारी प्रॉपर्टी है ऐसे क्यों बोल रहे इसलिए कि देखता हूँ ससुराल में जिस तरह दामाद आते हैं उसी तरह तू आता है और जाता है अरे यार चाहे कुछ भी कहो पढ़ने आए तो अटेंडेंस तो देना ही पड़ेगा ना पर निकलते ही तू और तुम्हारी आंखें क्या करते हो हम सब देख रहे हैं ना अबे मैं क्या कर रहा हूँ
थोड़ी मस्ती करता हूँ बस। एक मर्द का इंतजार करने वाली को मैं टच कर रहा हूँ। प्यार करना है तो किसी एक लड़की से प्यार कर, उसी के लिए जी और उसी के लिए मर, हम सब खुश रहेंगे। ओहो, तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं भूला हूँ। स्टूडेंट जिस तरह कॉलेज लाइफ में अपनी हॉबी की तरह सोचते हैं, मैं भी बस सोच रहा हूँ। अरे लड़की दिखी कि नहीं, इसके तेवर बदल जाते हैं। तू बिगड़ गया है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आगे चलकर बिगड़ न जाओ, इसलिए हम लोग तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, तुम उन सपनों को पूरा करो। चलो भाई चलते हैं सब लोग। चलो चलते हैं। भैया वो आ रहा है, रोको उसे। रुक बे, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा, हमारी बहन को तू ही प्यार कर रहा है क्या? टुकड़े टुकड़े कर दिया साले के। ठीक है चल गाड़ी में बैठ। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ओके ठीक है भैया। ये सब कैसे हुआ? मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। एक नहीं तो हजार लड़कियों से प्यार कर, सब चलेगा। तुम्हारे बॉडी को टच करने की हिम्मत किसने की? उस लड़की के भाई को मैं पसंद नहीं हूँ। डोंट वरी, मैं अभी इसी वक्त इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। इस फोन से तो उस लड़की के भाई को फोन लगा। हेलो, मैं शिवा आपकी बहन से प्यार करता हूँ। मेरे भैया अमेरिका से आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं भाई बोल रहा हूँ। भाई है तो मैं रॉयल सीमा का रत्नाराम हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं कड़प बम अपनी माँ की कोख से लेकर आया था। मैं जिसे भी चाहूँ उसके टुकड़े टुकड़े करवा सकता हूँ। तू रॉयल सीमा रत्नाराम है या रोड छाप गुंडा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपना मुंह बंद कर, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू इस वक्त हमारी जमीन पे है, मेरा भाई तेरी बहन से प्यार करता है। तू अभी इसी वक्त शादी के लिए हाँ कर रहा है या नहीं? तू और तेरा भाई मेरे घर के चौकीदार बनने के लायक भी नहीं हो। और मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई के साथ कर दूं, दोबारा ऐसा मत कहना। अगर मेरे घर के वॉचमैन ने भी ये बात सुनी तो तुम्हें मारेगा बेवकूफ कहेगा। वो मारेगा या मार खाएगा। तू और तेरे सभी आदमी मेरे सामने खड़े हो जाओ, तब पता चलेगा मेरा पावर क्या है। ए! तू चार मीनार सेंटर में आने के लिए बोलो या गोलकुंडा आने के लिए बोलो, तेरा पावर क्या तेल लेने। ये रॉयल सीमा रत्नाराम का स्टाइल है, समझा क्या? तू अपने डर को अपने बातों के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहा है। तू भाई के गुस्से को ललकारने की कोशिश मत कर। तुम्हारा नाम सुनकर मैं डरने वालों में से होता तो मैं अमेरिका से यहाँ नहीं आता, वहीं से अपने आदमियों को ऑर्डर कर देता। वही तुम्हारे लिए काफी है। चुप कर, तू अपनी तुलना मेरी हैसियत से मत कर। हफ्ता वसूलने वाले मामूली गुंडे हो। अगर तुम दोनों को पैसा चाहिए तो मुझसे बोलो, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई से कर दूँ, ये सपना दिखना छोड़ दो। सेल हाथ में इसका मतलब कुछ भी, बकवास मत काट। चल फोन रख, सुनो पकड़ो, दोबारा फोन करे तो मुझे सेल देने की तकलीफ मत करना, मार डालूंगा। शराफत की भाषा उसे समझ में नहीं आती, किसी भी तरह से उसके गले में मंगलसूत्र डाल, मुझे तुम पर गर्व होगा। ए, कौन है रे वो? शिवा का दोस्त। तुमने मेरे दोस्त शिवा को मारा था? हाँ बे। हे, डोंट मूव। अगर मैंने तुम लोगों पर हाथ उठाया तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। आइंदा अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाया तो तुम लोगों को राख में बदल दूंगा। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। चलो रे। भैया भैया भैया, अपनी बहन शिवा के साथ भाग गई है। ये बात बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। उस लड़की के लिए हमने क्या क्या नहीं किया और वो हमारी इज्जत को रौंद कर एक लड़के के साथ भाग गई। उसके साथ उस लड़के के भी टुकड़े टुकड़े कर डालो।
हम अपनी बहन को नहीं मारेंगे, हम उनके प्यार को एक्सेप्ट करके दोनों को साथ में रखेंगे। जिस वजह से हम अपनी बहन को लेकर यहाँ आए थे वो वजह सफल नहीं हुआ, जो होना था वो तो हो गया भैया। आप अपना गुस्सा कम करके जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया तो हमें बहुत खुशी होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? पढ़ रहे हैं भैया, फर्स्ट रैंक में आकर आपका नाम ऊंचा करेंगे। मेरा नहीं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अभी हॉस्टल का खाना अच्छा लग रहा है? ठीक है भैया, आपकी वार्निंग के बाद तो सबको अच्छा खाना मिलता है। मेरा गुणगान करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग खुश रहो, मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा भैया।
ही तू कोई दूसरा नहीं। मैंने है जिसको चाहा, हाँ तू है वही, हाँ तू है वही। जगन, कैसे हो तुम? गांव छोड़कर शहर के तुम्हें काफी समय हो गया, लगता है शहर की रंगरेलियों में तुम खो गए। हर वक्त मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को याद करती रहती हूँ। हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, जिंदगी बिताने का। चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुश्किलों का सामना करने के लिए हम एक हो जाएंगे, ऐसा तुमने कहा था। लेकिन कब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और कब हमारी शादी होगी? कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी कहीं और हो रही है तो मुझ पर बिजली गिर पड़ी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, मंगनी भी तय कर दी। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी हो चुकी होगी। मुझे भूल जाना जगन। लग रही है मम्मी, तेरा दूसरा बेटा जगन आ गया है, इसके लिए भी खाना लेकर आ। Thank you.
बेटा जगन गीतांजलि डिग्री कॉलेज। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार, कौन हो तुम लोग? हम लोग शहर से आए हैं चाचा जी, हम लोग जगन के दोस्त हैं। ओहो, मेरा बेटा ठीक से तो है ना बेटा? दरअसल जगन 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए आपको बुलाया है। अरे बाप रे, मेरा बेटा हफ्ते भर से बीमार है? ये सब क्या है बेटा, क्या है ये? वो कह रहे हैं सच्चाई कुछ और है, सच को छुपाया जा रहा है, सच क्या है बताओ ना बेटा, बताओ ना बेटा। जगन को कुछ भी नहीं होगा चाचा जी। नहीं नहीं, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना बेटा, बताओ ना सच क्या है, मेरे बेटे को क्या हुआ है, मेरी कसम खाकर बताओ बेटा। बताता हूँ चाचा जी, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना। ठीक है बताओ बेटा। जगन बुरी लत में पड़कर मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है। आप परेशान मत होइए चाचा जी, डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगन को कुछ नहीं होगा चाचा जी, जगन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत से काम लीजिए। मेरा बेटा, मेरा बेटा गलत आदतों का शिकार हो गया। पूरे गांव में मेरा बेटा होशियार हुआ करता था, वो बुरी आदतों में फंस गया। यहाँ वो पढ़ाई करने आया था, मौत को अपने करीब कैसे बुला लिया। बेटा बेटा, क्या है ये, क्या है ये सब, क्या हो गया, क्या ये सब क्या हो गया बेटा जी, ये सब क्या हो गया बेटा, कैसे ये गलती किया तुमने। पिताजी पिताजी, बेटा ये क्या गलती कर बैठा बेटा, क्या मैं तुम्हें इस हालत में देखने के लिए जिंदा हूँ? तू भविष्य में कभी मेरा सहारा बन गया नहीं, ये सोचकर अगर मैं तुम्हें जब तुम पैदा हुए थे तो रोड पर फेंक देता तो कुत्ते तुम्हें नोच कर खा जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो मांगा मैंने दिया, मगर मैंने तुमसे कोई इच्छा नहीं रखा, बस मैंने इतना ही चाहा कि तुम बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़कर बड़ा आदमी बने और हमेशा सुखी रहे, बस यही चाहा मैंने। मेरी आंख है तुम्हें बड़े आदमी के रूप में देखे, बस यही चाहा मैंने। बोलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बिगड़ने के पीछे कौन है, ये समाज है या तुम्हारे ये दोस्त या फिर मेरे कर्म? बताओ ना, तेरे ये दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, फिर तू अकेले कैसे बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया बेटा, कैसे बिगड़ गया? बोल ना बेटा, बोल ना बेटा, बोल ना। पिताजी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है पिताजी, मैं आपके लिए मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। आज के बाद मैं खुद अपनी गलतियों को दूर करूंगा, अपनी सारी बुराई छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो पिताजी। बेटा मैं उठकर चलूं, ये मैंने कभी इच्छा नहीं रखा, अगर तू सही रास्ते में चलेगा तो मुझे लगेगा तुम्हारे कदमों से मैं चल रहा हूँ, हाँ मैं चल रहा हूँ। अरे बस इतना ही, वो तो एक ही नजर में फिदा हो गई। अरे रवि, वो देखो हमारा जगन फिर से कॉलेज आने लगा है। सच में? क्या है वो? देखो। हाय जगन। हाय। तू फिर से कॉलेज आने लगा है, हम सब बहुत खुश हैं। हम सोच रहे थे तू लौट कर आएगा भी कि नहीं। अरे क्यों नहीं, प्यार में अंधा होकर मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है मैं अपने माँ बाप और अपने देश के लिए जीऊँ। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, टाइम हो गया। हाँ चलो चलो, भारत माँ के संतान हम, लेते हैं हम आज ये कसम, जब तक रहेगा बाजुओं में दम, पीछे कभी न हटेंगे हम।